हेलो नमस्ते वनकम शस्त्रीकाल केम छो एंड कसे काय पब्लिक। तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में जहां पे हम है शिमला में। और शिमला में आज तो भाई जबरदस्त वाला जो फॉग है वो बन चुका है। मतलब लाइक सुबह से मैं उठ रहा हूँ, अभी तो कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है, तो इस लेवल का जो फॉग है वो बन चुका है। बट हमारा जो प्लान है वो अभी रेडी हो गया है। अभी आज हम टूर करने वाले हैं ऑफ द चेल। चेल करके लोकेशन है जो शिमला के बाजू में है। एक्चुअली में चेल और कुफरी दोनों लोकेशन थे, लेकिन फिर मैंने सोचा कुफरी नहीं जाते क्योंकि कुफरी अभी जाने का कोई मतलब नहीं है। अगर मतलब आप जब स्नो के टाइम पे आओगे तो उस टाइम पे आपको मतलब है, तो वो वाली चीज़ जो है वो नमू और मेरे लिए रिजर्व रखा है, और क्योंकि वो हम स्नो में एक्सप्लोर करेंगे। अभी जाएंगे हम चेल और वहाँ पर देखेंगे चेल पैलेस, काली का टिब्बा, बहुत सारे अच्छे अच्छे लोकेशंस है जिसको हम जबरदस्त तरीके से हमारे कैमरे में कैद करने की कोशिश करेंगे। अभी दिन की शुरुआत हुई है, बहुत ही जबरदस्त भूख लग रही है, तो सबसे पहले कुछ खाने का देखते हैं। और आज थोड़ा वॉक भी करके नीचे जाना पड़ेगा, तो लेट्स जस्ट गो डाउन एंड फिर आपसे बात करते हैं। भाई सुबह सुबह में हो रही है जबरदस्त वाली बारिश, आपको तो समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन और यहाँ पे ट्रैफिक जाम देखो, बहुत ही बड़ा जो जाम है वो लगा हुआ है। तो दोस्तों अभी जो नाश्ता है वो करके हो गया और अभी हमारा बिल आया 455। तो सस्ते में मस्त वाला जो नाश्ता है वो अभी हमने कर दिया। यहाँ पे चाय कॉफी सब पराठा सब बढ़िया था। सो आपको रिकमेंडेड है फौजी ढाबा, अगर आप चेल या कुफरी टाइप जा रहे हो तो उस टाइप पे आपको ये फौजी ढाबा जो है वो मिल जाएगा, तो आप इसको नोट कर सकते हो। चलिए राणा जी। हाय। राणा जी की प्यारी सी स्माइल के साथ टूर की शुरुआत कर देते हैं। ये है भाई, ये देख लो चीनी बंगला, अब देख सकते हो हिमालय नेचुरल पार्क, ये जू है ना, जू है ना, जू है, ये नेचुरल पार्क है जो बनाया हुआ है कुफरी में। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि यहाँ पे 500 रुपये पर घोड़ा का फी है, आप जा सकते हो और वहाँ पे जाके आप जो एक्टिविटी करना चाहो वो एक्टिविटी के अलग से पैसे आपको देने के, और वो आप कर सकते हो। जो राइड है वो मतलब लाइक आप एक बार यूट्यूब वीडियो पे देख लेना, बाकी तो सब ओके है। यहाँ पे बहुत सारे शॉप्स भी है जहाँ पे आपको खाने पीने का तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप अपनी गाड़ी जो है वो पार्क करके फिर जा सकते हो। अभी हम कुफरी नहीं जा रहे, अभी हम नेक्स्ट लोकेशन पे जा रहे हैं विच इज़ चेल। तो वो लोकेशन को बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लोर करते हैं और आपको ब्यूटीफुल से जो नज़ारे है वो दिखाते हैं। ये गेट है, देख सकते हो जू का। तो दोस्तों चेल पैलेस के 2 किलोमीटर पहले हम एक होटल में रुके हैं, होटल क्लोविस करके है, बहुत ही मस्त वाला होटल आपको रोड पे ही दिख जाएगा। तो हमें लगा एक कॉफ़ी यहाँ पे पीनी चाहिए, तो अभी हमने हमारे लिए कोल्ड कॉफ़ी है वो मंगवा दिए। लेट मी टेस्ट फर्स्ट कैसा लगता है उसका टेस्ट। गुड, स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी है, बहुत मस्त बनाई है। आई थिंक आई विल हैव वन मोर। और फिर हम इनके पास कुछ रूम्स भी अवेलेबल है, तो रूम्स का भी व्यू देख लेते हैं एक बार, और क्योंकि फिर आगे कभी आए तो काम में आ सकता है। तो यही चीज़ है, एक कॉफ़ी फिनिश करते हैं फिर आपको डायरेक्टली ज्वाइन करते हैं टू द चेल पैलेस। तो दोस्तों ये है कुछ इनका रूम टूर जो मैं आपको दे देता हूँ, तो आपको इस तरीके का बहुत ही अच्छा जो स्पेस है वो मिलता है। यहाँ पे आपको वॉशरूम भी है, बहुत ही बड़ा वॉशरूम जो है वो आपको देखने मिलता है। और ये है बेड,
आई थिंक मेरे हिसाब से जो कमरे की जो साइज है ना वो थोड़ी बहुत ही बड़ी है, तो ब्रीथेबल है। आपको यहाँ पे वर्किंग डेस्क भी मिलता है, और ख़ास करके ये जो मार्बल यूज़ किया है ना जो बहुत अच्छा लग रहा है, इटालियन मार्बल है। और यहाँ पे आपको बैठने का स्पेस जो है वो भी मिलता है बहुत ही अच्छी तरीके से। और तो और यहाँ पे आपको देखने मिलेगी बालकनी, तो अगर आपको पहाड़ों में रहना है तो आप ये बालकनी का जो यूज़ है वो कर सकते हो। आपको बालकनी का भी व्यू दिखा देते हैं, ऑन करना पड़ेगा इसको। ओके, अच्छा है, सेफ्टी लॉक के साथ है। तो ये है कुछ बालकनी का व्यू, जहाँ पे आप अपनी मनपसंद कॉफ़ी लेके आराम से ये पहाड़ों के जो नज़ारे हैं वो देख सकते हैं। तो जो व्यू मैंने अभी आपको ड्रोन शॉट में दिखाया था उससे कुछ आई थिंक 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है ये होटल, और बहुत ही मस्त जो इंटीरियर का जो व्यू है ना वो बहुत ही प्यारा है। तो आप अगर इस साइड आ रहे हो, चैल के साइड आ रहे हो, और अगर आप चैल में रुकना चाहते हो तो ये होटल क्लोविस है, जो आपको 3 to 3,500 के बीच में आपको विथ ब्रेकफास्ट सारी फैसिलिटी के साथ मिल जाएगी। तो आप इसको अच्छे से चेकआउट कर सकते हो। दोस्तों, हमने काउंटलेस जर्नीज पे आपको पूरा वीडियो चैल पैलेस के बारे में ऑलरेडी बता चुके हैं, हम उसको रिपीट नहीं करेंगे, लेकिन हम आपको यहाँ का फूड एक्सपीरियंस जरूर बताएंगे। ग्रेवी में हिमाचली मसालों के साथ बनाया जाता है, और ये है अपना चना, वाइट चना जो है उसको दही की ग्रेवी में बनाया हुआ है, और हमने उसके साथ मंगवा दिया है रोटी। तो अभी आपको टेस्ट करके बताते हैं कि कैसा जो टेस्ट है अपने को लग रहा है। तो अभी थोड़ा सी पूड़ी को ले लेते हैं। अटेंशन टू डिटेल इतना है कि पानी का जो ग्लास है ना उसके ऊपर भी हिमाचल टूरिज्म का जो एडवर्टाइजमेंट है वो किया हुआ है। अभी हम थोड़े चने भी ले लेते हैं टेस्ट करने के लिए। अभी इतनी ज़्यादा भूख नहीं है, लेकिन हमने ये हिमाचली फूड खाने का मन था, तो अभी हमने ये ले लिया। राणा जी आप भी लीजिए। ओके, तो अभी हम सबसे पहले सेपू वड़ी जो है उसको टेस्ट करते हैं। बहुत ही मस्त टेस्ट है, एकदम जो ग्रीन ग्रेवी है ना उसमें बना हुआ है, और स्पाइस लेवल भी इतना ज़्यादा नहीं है, मीडियम स्पाइसी है, और बहुत ही अच्छी तरीके से इसको कुक किया गया है। अभी चने टेस्ट कर लेते हैं। चने में एक तो जीरे का टेस्ट आ रहा है बहुत ही अच्छी वाला, और दही का टेस्ट आ रहा है, दही ऑब्वियसली बहुत ही अच्छे से टेस्ट कर रहा है, तो चना तो रॉकस्टार है। दोस्तों आप ये ज़रा वेदर देखो, कितना अमेजिंग सा वेदर हुआ है, और पूरा वैली का व्यू देखो कितना ज़बरदस्त लग रहा है, और यहाँ से हम जो टेंपल है उसको भी बहुत ही अच्छी तरीके से देख सकते हैं। ओहो, कितना प्यारा लग रहा है, मतलब लाइक कुदरत नेचर के गोद में एकदम टॉप के ऊपर आपको ये जो टेंपल है वो बहुत ही अच्छी तरीके से दिख रहा होगा। वाह, अमेजिंग लुकिंग फैंटाबुलस, एकदम पूरा बादलों में कवर हो चुका है, इतना मस्त तरीके का लग रहा है, और ये पूरा पहाड़ों के ऊपर है, मतलब ये पूरी चोटी है उसके ऊपर ये मंदिर है, और उसके नीचे पूरी कंप्लीट वैली आपको देखने मिलेगी। तो दोस्तों
ऐसा गजब का व्यू आपने नहीं देखा होगा यहाँ पे, किस तरीके का बारिश का जो माहौल है वो हो रहा है, बहुत ही खतरनाक। मैं भीगने लग रहा हूँ, और यहाँ पे आप देखो भाई साहब क्या गजब, हो भाई सॉलिड व्यू है यार, सॉलिड व्यू। बस ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ही खड़े रहे और पूरे व्यू जो है उसको एंजॉय करें, बट गजब का व्यू। तो दोस्तों यही वीडियो था हमारा चहल पैलेस का एक्सपीरियंस और काली का टिब्बा का कैजुअल व्लॉगिंग। आप इसके पीछे का जो मकसद है वो ये है कि आपको और इतनी इन्फॉर्मेशन बताई जाए कि जहाँ पे आप कौन सा रूम ले सकते हो, क्या खाना खा सकते हो, वो सारा एक्सपीरियंस आपको इस तरीके के वीडियो पे मिलेगा। तो अगर आपको ये एक्सपीरियंस अच्छा लगा है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में फीडबैक दे सकते हो, और फिर मिलते हैं इन द नेक्स्ट एक्साइटिंग एपिसोड। थैंक यू सो मच।